हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शब्बीर BMS। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेल्थी ब्रेन के बारे में। हम आपको कुछ टिप्स देंगे जिससे कि आपका ब्रेन हेल्दी रहे और एक्टिव रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक्सरसाइज की। दोस्तों, किसी भी तरह की एरोबिक एक्सरसाइज जिससे हमारे अंदर ऑक्सीजन का प्रवाह ज़्यादा हो, वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही हेल्थी है। क्योंकि हम जानते हैं कि 20% ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन सिर्फ हमारा ब्रेन यूज़ करता है। तो अच्छे से एक्सरसाइज जो कि एरोबिक हो और अपने सेहत के हिसाब से एक्सरसाइज कीजिए, जो कि आपके ब्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है। दूसरा दोस्तों, प्लेंटी ऑफ स्लीप। अपनी निद्रा का ध्यान रखें, कम से कम 8 घंटे दिन में जरूर स्लीप लें। और गर्मियों में दिन में जब धूप 2-3 बजे होते हैं, धूप ज़्यादा होती है, तब भी नैप लेने से आपके जो ब्रेन की हेल्थ अच्छी होती है। इसके अलावा दोस्तों, अपने फूड्स में ओमेगा 369 जो कि फैटी एसिड्स हैं, इनका इस्तेमाल करें। जिन भी फूड्स में ये है, यानी कि जैसे कि हमारे फिश में होता है, ये नट्स में होता है, तो जो भी फूड ओमेगा 369 से भरपूर होते हैं, वो हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों, सोशली इन्वॉल्व रहें, यानी कि अपने दोस्तों के साथ अपनी जो कम्युनिटी है वहाँ पर घूमें फिरें और अच्छे से इसका ख्याल रखें कि आप सोशली इन्वॉल्व रहें। इससे हमारा ब्रेन एक्टिव और हेल्थी रहता है। दूसरा, आगे हम बात करते हैं नट्स के बारे में। दोस्तों, नट्स जो कि मैग्नीशियम कैल्शियम से भरपूर होते हैं और भी बहुत से विटामिन में पाए जाते हैं, खास कर एलमंड और काजू या फिर वॉलनट वगैरह हुआ, ये जो नट्स हैं हमारे मैग्नीशियम ओमेगा 3-6 से भरपूर होते हैं। तो इनका सेवन करने से भी आपका है जो आपकी जो ब्रेन की सेहत अच्छी रहेगी। दूसरा दोस्तों, हमारी बॉडी में कैल्शियम और विटामिन D3 की कमी हो जाने से हमें डिप्रेशन या कोई और ब्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये वाजिब बनाए कि आप कैल्शियम विटामिन D3 का सेवन अच्छे प्रकार से करें। अगर आपको लेना मुश्किल लगता है तो आप कैल्शियम विटामिन D3 का सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। ये सप्लीमेंट आपकी ब्रेन की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होगा। दोस्तों, इसके अलावा आपको प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, ये सप्लीमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। और अगर आपका पेट अच्छे से डाइजेशन वगैरह करेगा, तो आपको जो मेंटल हेल्थ वो भी अच्छी रहेगी और आपकी सेहत बनाई रखने के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाते रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।